हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो है ये कैंडल वैक्स रीडिंग है और मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर को फर्क पड़ रहा है आपके ना बात करने से, कुछ भी असर उनको हो रहा है। अगर आप खामोश हो सकता है बिल्कुल चुप हो, कोई भी एक्शन आप नहीं दे रहे हो उनके आगे, मतलब उनको ऐसा एहसास नहीं दिला पा रहे हो कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, तो इस खामोशी के पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी जो आपके अंदर चल रही है। लेकिन जो अंदर चल रही है उसका असर आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है। तो पहले कार्ड से देखूंगी ये, फिर कैंडल वैक्स रीडिंग देखूंगी क्या असर हो रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर। आपकी चुप्पी और खामोशी का असर उन पर हो रहा है, आपके दिल और दिमाग में जो भी चला क्या उन पर असर हो रहा है, तो देख रहे क्या असर हो रहा है। ओहो, आपसे मैरिज करना चाहते हैं ये पर्सन। देखिए, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। अभी इस वक्त थोड़ा सा मायूस हैं, खामोश हैं और कुछ ना कुछ किसी चीज का वेट कर रहे हैं। और डियर, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं विदेश या अब्रॉड से रिलेटेड किसी चीज का ये वेट भी कर रहे हैं। वॉट ऑफ डेक से आया था डियर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये पर्सन फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स और द हेरोपेंट। यहाँ मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड आपके पर्सन सोच रहे हैं और आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, तो ये पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में सोचे कि कैसे एक्शन लो, जबकि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने तीन कार्ड निकाला है डियर आपके लिए, इसलिए अब देखती हूँ कि उनकी खामोशी का असर क्या हो रहा है। इनकी खामोशी का असर ये हो रहा है कि आपको कमिटमेंट देना है और मैरिज करना है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कब करे, कैसे करे, क्या करूं और कैसे करूं ये डिसीजन लेना चाहते हैं। इस वक्त ये थोड़ा सा चुप है, खामोश है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। तो कुछ लोग, आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोग की बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन दिख रही है, ठीक है। थ्री नंबर, फोर नंबर और फाइव नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं, मैरिज से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं और कुछ लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, कुछ लोग मिलजुल भी रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत जल्द आप लोग अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट भी करने वाले हो। आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये पर्सन हो सकता है खामोश है और बहुत जल्द आपकी तरफ ये कॉन्टेक्ट करें। फोर, फाइव एंड थ्री नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेकेंड, मिनट, घंटे और दिन भी हो सकते हैं। तो इस वक्त आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग से देखती हूँ इनकी एनर्जी और भी क्या कुछ चल रहा है, डिटेल्स जानने की कोशिश करती हूँ। एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिएगा, दिव्य शक्ति गाइड कीजिएगा, कृष्ण गोविंद गाइड कीजिएगा। देखिए डियर, यहाँ तो पहले भी कार्ड निकल चुका है कि कुछ लोग का सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ के पार्टनर थोड़ा सा चुप और खामोश इसलिए है कि थोड़ा सा नाराजगी इनके अंदर है डियर। इनके अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन के अंदर गुस्सा भी है और ये खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत दिनों से इस पर्सन का जो ईगो है ना कम नहीं रहा था और आपकी खामोशी ने इन्हें तोड़ दिया है डियर। अब ये करे तो क्या करे, मजबूर है। तो देखिए डियर, थ्री नंबर और फोर नंबर और फाइव नंबर आपके लिए बहुत खास है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, बात करने वाले हैं, कॉन्टेक्ट करने वाले हैं। मुझे ये भी दिख रहा है डियर कि जहां सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ के लाइफ में, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, आप लव लाइफ में आपके फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं एक कार्मा जो साइकिल होता है वो एंड होने वाला है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होने वाली कुछ लोग के लाइफ में, लेकिन जिस जो पर्सन के बारे में अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपसेट है, रो रहे हैं, तो डियर यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, थोड़ा सा आपको वेट करा सकते हैं। लेकिन बहुत लोग के लाइफ में एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है डियर, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। थोड़ा देखिए, हो सकता है आपके साथ कभी इन्होंने रूडली बिहेव किया हो, आपके कोमल विचार को, आपके भावनाओं को इन्होंने नहीं समझा, उन आपको फील नहीं किया, लेकिन ये पर्सन अभी इस वक्त देखा जाता है ये बहुत ही इसके बारे में सोच रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं। देखिए, अंदर से ये सॉरी फील कर रहे हैं बट आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहां मुझे चैरियट की भी एनर्जी आ रही है। आप उनके लिए सब कुछ, आप उनकी सोलमेट हो, ठीक है। ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी सोलमेट हो, ये एक्शन लेने के मूड में है, ठीक है।
अच्छी तरह से या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, इसलिए सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, द हेरोफंट की एनर्जी आई है। लेकिन यहाँ एक तरफ देखिए ये अपने स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और आपको स्टेबल भरा, बहुत स्टेबिलिटी भरा आपको ऑफर करना चाहते हैं, दुनिया की हर खुशी आपको देना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस पर्सन के अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा खेल खेल दिया, ऐसा कुछ लोगों ने ऐसा आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, जिस वजह से गलतफहमियों की वजह से आप लोग में डिस्टेंस हुआ, ब्रेकअप हुआ, फाइटिंग हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक अहमियत, एक रिस्पेक्ट, एक आपके लिए वैल्यू जाग रही है डियर। देखिए यहाँ पे बहुत व्यूवर्स के साथ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, बहुत लोग आज अपने पर्सन से मिल रहे हो, मुलाकात कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी आई, हो सकता है आपके पर्सन आपको मतलब मैनिपुलेट इस तरह से करे जो प्यार से, ठीक है, गुस्से से, और आपके तरफ बहुत ही क्लोज आ जाए। तो मैनिपुलेट की एनर्जी यहाँ ये मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं फिजिकली रूप से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बहुत क्लोज आना चाहते, आपको ये गोद में बैठाना चाहते। कुछ लोग के पार्टनर ऐसा उन्होंने किया है, आपको गोद में बैठाया है और आपको प्यार भी किया है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ मैनिपुलेट इस तरह से किया है, प्यार से किया है, ठीक है, गुस्से से नहीं, गुस्से में प्यार की तरह से आपको मैनिपुलेट किया है। जहाँ द डेविल की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने पर्सन के क्लोज भी आए हो और एक से दो से तीन से चार से पांच दिन के अंदर आप लोग और भी क्लोज आ रहे हो, एक साइकिल आप लोग का एंड भी हो रहा है व्यूअर्स। लेकिन जो अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने थॉट्स को काबू रखें, क्योंकि इस पर्सन के अंदर खामोशी का असर होने लगा है, थोड़ा सा गिल्ट में मुझे दिख रहा है, लेकिन ये मैच्योर हो रहा है, ठीक है। देखिए इस पर्सन ने आपको जितना भी रुलाया, कितना भी थरपाया, अब इनकी बारी है, ठीक है। इनको देखिए इनके अंदर क्या हो रहा है ना, कि पहली बात तो आपकी कमी खलने लगी है, ठीक है, एक अकेलापन फील करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पाइक करते, हो सकता है फाइनेंस को लेकर चिंतित हो। देखिए इनको चाहिए बहुत सारा धन और दौलत और पैसा, ठीक है, इनको स्टेबल इतना लाइफ चाहिए कि दुनिया की इनको हर खुशी मिले, जिस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसेट दिख रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। और इस वक्त आपने मुंह मोड़ लिया है, अपने पर फोकस कर रहे, तो ये पर्सन को ऐसा भी फील कर रहा है कि आपके बिना सच में इनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है, बशर्ते ये क्यों ना आप मतलब आपका इन्होंने दिल दुखाया है। लेकिन इनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है, आप बहुत प्योर, मतलब आप प्योर हार्ट हो, मतलब इनके लिए आप सब कुछ कर सकते हो और आप ही इनको समझ सकते हो, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत इनोसेंट हो और बहुत ही कोमल हो, आप इन्हें माफ कर दोगे। देखिए इन्होंने भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, आपके फोन को इग्नोर करना, ब्लॉक कर देना, फोन को कट कर देना, हो सकता है आप कॉल करते हो तो गुस्से में आकर फोन को कट कर देना और मैं बिजी हूं ऐसा करना। लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा इस बात को ये फील करे कि आपको इन्होंने निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, लेकिन इन्होंने गलती की है ये महसूस करें, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे डियर, ठीक है। लेकिन एक्शन के मूड में ये पर्सन, ठीक है, ये एक्शन के मूड में, लेकिन करेंट एनर्जी में देखा जाए तो बहुत व्यूअर सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग की रीयूनियन हुई है, कुछ लोग की मैरिज कमिटमेंट से बात हो रही है, कुछ लोग के पार्टनर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जहां ये थोड़ा सा खामोश है, मायूस है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ एक्शन बहुत जल्दी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉल मैसेज की संभावना है, ठीक है, कॉन्टेक्ट और रीयूनियन की संभावना है, लेकिन नंबर लिख लीजिएगा डियर, नंबर 4, 3 एंड 5 आपके लिए खास हो सकता है। तो बहुत लोग के पार्टनर डिसीजन लेने वाले हैं मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ठीक है, जिनकी एक साइकिल एंड हो गई, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। इस वक्त हो सकता है आप 999 बार बार देख रहे होंगे, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। इस वक्त आप लोग 999 देख रहे होंगे, क्योंकि 3 नंबर यहाँ खास दिख रहा है डियर। देखिए 3 नंबर और यहाँ भी देखिए वॉर्ड ऑफ द डे से जो आया है 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर ज्यादा आपके लिए खास हो सकता है डियर, ठीक है, या फिर आप लोग की मुलाकात और बात हो गई है, लेकिन 3 ज्यादा दिख रहा है, 3 नंबर ज्यादा दिख रहा है, 4 नंबर और 5 नंबर। तो देख लीजिए आपके पर्सन आपकी तरफ कब कैसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करने लगा, जो भी आपके पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, इस पर्सन ने ऐसा फील करने लगा कि जैसे आपका ना एक कनेक्शन है, जो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनको कहीं ना कहीं साइन मिल रहे हैं सपने के थ्रू, ठीक है, कहीं ना कहीं आप वो ट्रैवल कर रहे हैं, कभी काम कर रहे हैं, कहीं भी आपकी यादें आ जाना, उस पल को, उस क्षण को फील कर लेना, अचानक से मूड स्विंग हो जाना और आपकी यादें आना। हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करते हों
और उस ट्रेवल में कभी आपने इनका सपोर्ट किया हो और उस ट्रेवल में आपके पर्सन इस वक्त हैं तो वहां वो फील भी कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, और इस वजह से ये पर्सन बहुत जल्द आपके तरफ कांटेक्ट भी करने वाले हैं। वो पीस और शांति उन्हें महसूस इस वक्त थोड़ा हो रहा है डियर, इसलिए कि वो आपको इस वक्त फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी खामोशी ने इनको कहीं ना कहीं ईगो को तोड़ा है डियर। पूरी तरह से ईगो इनका नहीं खत्म हुआ है, मतलब कि आपकी फीलिंग्स बढ़ी, आपके लिए इमोशनल ये पर्सन हो रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं। देखिए ये बहुत ही पर्सन गुस्सा अग्रेसिव होने वाला है, लेकिन इस वक्त ये डाउन है, ठीक है, इस वक्त ये डाउन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हो सकता है लीडरशिप की क्वालिटी हो, काम के सिलसिले में ये ट्रैवल करते हो, ये बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनके अंदर टीम काम करती हो, या फिर ये बैंक में भी हो सकते हैं और फाइनेंस से रिलेटेड भी ये काम कर सकते हैं, या फिर इनकी बहुत बड़ी बिजनेस हो, ठीक है, पानी से रिलेटेड बिजनेस हो सकती है, ये भी दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के काम आपके पार्टनर या आपके किसी के लाइफ में मुझे दिख रहा है डियर, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन जिद्दी है, अग्रेसिव मूड के हैं, लेकिन इस वक्त मतलब जितना आप पर गुस्सा इन्होंने दिखाया, रूड दिखाया, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, ये फील कर रहे हैं। किसी के पार्टनर इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी तरफ आ रही है, काम के सिलसिले में ये ट्रैवल कर रहे हैं, जहां इस वक्त वो बहुत ज्यादा आपको फील करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। देखिए दीदी यहां मुझे क्यों ऐसी एनर्जी आ रही, आपके घर में या आपके फैमिली के घर में कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर किसी के घर में गुड न्यूज आई हो, ठीक है, किसी के घर में गुड न्यूज आई, या आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में प्रेगनेंसी की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है डियर, आप देख रहे होंगे, ये मुझे प्रेगनेंसी की एनर्जी आ रही है, ठीक है। देखो किसी घर में या फिर कोई प्रेग्नेंट हुआ है, या फिर किसी की डिलीवरी हुई है, या फिर कोई प्रेग्नेंट पहले से है, तो कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज मुझे दिख रहा है। शायद आप गुस्सा मत होना कि मैम अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बात है तो हो सकता है डियर, तो यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट दिख रहा है, या फिर किसी की डिलीवरी हुई है, या फिर कोई प्रेग्नेंट हुआ है, या गुड न्यूज मिलने वाला है डियर, तो यहाँ प्रेगनेंसी से लेकर कुछ मुझे दिख रहा है। या फिर आपके लिए भी सचेत मैं कर देती हूँ, कहीं भी प्यार में बहकर कहीं आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, लेकिन आप लोग देखिए मुझे यहाँ बहुत एनर्जी दिख रही है, आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी, आप लोग कंट्रोल में रहना और प्रिकॉशन लेकर चलना, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन फिजिकली मैनिपुलेट आपको कर सकते हैं, द डेविल की एनर्जी, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल रहने की जरूरत है, ठीक है, बिल्कुल प्रिकॉशन लेकर चलने की जरूरत है। यहाँ पे डाउट की एनर्जी, कहीं आप लोग प्रेग्नेंट ना हो जाए, अगर महिला या लेडीज या आप फीमेल देख रहे हो, ठीक है, ये आपके लिए है, मेल के लिए नहीं है डियर, ये फीमेल के लिए है। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो प्रेगनेंसी के अनुसार मुझे दो तीन तरह की एनर्जी आई है, या थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई बच्चा होने वाला है या हो चुका है, या कोई प्रेग्नेंट हुआ है, या फिर किसी की डिलीवरी हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए भी है कि आप लोग कंट्रोल में रहिएगा, क्योंकि सेलिब्रेशन के साथ कहीं आपके साथ कुछ सेलिब्रेट ना हो जाए, इसलिए कंट्रोल रहिएगा। देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन को आप अब परफेक्ट दिखने लगे हो, ठीक है, थर्ड पार्टी इशू यहाँ भी आ रही है, ऐसा नहीं है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कुछ ये बात करने वाले ये बहुत महसूस करने लगे हैं, और ये पर्सन इस वक्त आपको कहीं ना कहीं खुश करना चाहते हैं, मतलब आप खुश रहोगे तो इनके लाइफ में खुशी आएगी, ऐसा ये फील कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा आप सेलिब्रेट की एनर्जी में है कि आपके साथ ये सेलिब्रेट करें, लेकिन कुछ के पार्टनर करेंट एनर्जी में फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में है, थोड़ा सा मायूस है, लेकिन आपको देखिए प्यार ऑफर करना चाहते हैं, और कुछ के देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, तो यहाँ पे किसी के पार्टनर और आप आज मिल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, डेट पे जा रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, डिनर लंच कुछ भी आप लोग एंजॉय करते हुए नजर आ, द हेरोफेंट यहाँ कह रहा है मैरिज से रिलेटेड आपके पर्सन कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहे, ओवर थिंकिंग ना करें, और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है एक साइकिल आप लोग का एंड होने वाला है, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, तपस्या किया है, तो गुड न्यूज आप लोग को बहुत जल्द मिलने वाला है। कुछ लोग के लाइफ में मुझे जॉब से रिलेटेड भी दिख रहा है, या फिर मैरिज से रिलेटेड दिख रहा है, कमिटमेंट से रिलेटेड दिख रहा है, तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ गुड न्यूज देने वाले हैं, इस वक्त आपको वो फील कर रहे हैं, उनके आपका खामोशियों का असर पूरा होने लगा, लेकिन करेंट एनर्जी में कुछ के पार्टनर आपसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रियूनियन है, कुछ के पार्टनर अभी भी खामोश हैं, तो आपके लिए थ्री नंबर बहुत खास है, फाइव नंबर और
फोन नंबर खास है, तो आप लोग वेट मत कीजिए, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, ठीक है। इस वक्त आपको वेट नहीं करना चाहिए, स्पाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पाई करोगे तो वो रन करेंगे, ठीक है। आपको स्पाई नहीं करना है और आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए और उनका नाम, उनका प्यार अपनी ओर खींचते रहिए, यानी कि प्रेजेंट में उनको मैनिफेस्ट करते रहिए। तो देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में आए हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आए हैं, कुछ फाइनेंस, कुछ करियर को लेकर आए, कुछ पेरेंट्स को लेकर आए, लेकिन ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी खामोशी ने इन्हें एहसास कर दिया है, या जॉब, करियर, या फिर इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, और इस वक्त आपको ये मैनिफेस्ट करे क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो, ठीक है डियर। ये बहुत ही स्ट्रांग मुझे जेमिनी दिख रहे हैं, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, लिब्रा दिख रहे हैं, टॉरस दिख रहे हैं और सेजिटेरियस मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं इसमें डियर, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, टॉरस, लियो, जेमिनी, लिब्रा बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये साइन बहुत मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल दूं कि किसी के पार्टनर या आप, थोड़ा सा मुझे एज गैप दिख रहा है डियर, या आपने उन्हें बहुत पैम्पर किया है, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में बहुत पैम्पर किया था और इस वक्त ये पर्सन उस पैम्पर को वो फील कर रहे हैं, वही एक दूसरे से प्यार चाहते हैं जितना आप उनसे उम्मीद कर रहे हो, इनकी भी उम्मीद आपकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन मुझे एक बात का बहुत डाउट लग रहा है डियर, मेरे व्यूवर्स, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो प्लीज आपको कंट्रोल रहना है, यहाँ पे मुझे डाउट की एनर्जी है, ठीक है। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है, जब तक कुछ ऐसा मत करना कि आगे जाकर कुछ परेशानियां क्रिएट हो, ठीक है। परेशानी तो आपकी ही होगी ना, जब तक आपको पूरी तरह कमिटमेंट ना मिल जाए, कोई गलत कदम मत उठाना, ठीक है। और यहाँ प्रिकॉशन लेकर चलना है, ये आपके लिए है, ठीक है। और मुझे जो कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, रेड बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, रेड आपके आपके पार्टनर को पसंद हो, ठीक है। यानी मुझे रूट चक्रा की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। रूट चक्रा, ग्रीन यानी हार्ट चक्रा, ब्लू यानी थ्रोट चक्रा, तो इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है डियर, ठीक है। और कुछ के पार्टनर अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इनका अब अच्छा धीरे धीरे होने लगेगा, जिनके लाइफ में एक साइकिल एंड हो गया डियर, और आप अपने ऊपर फोकस करें और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनके लाइफ की कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज होने वाली है, करियर, जॉब से रिलेटेड, या फिर आपके पार्टनर कुछ बिजनेस से रिलेटेड सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ अब अच्छा करना चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टेबल और होना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ कुछ के पार्टनर के लाइफ में अच्छा होने वाला है, ऐसी भी एनर्जी है डियर। तो देखिए कहां से आप लोग को गुड न्यूज मिलता है, प्रेगनेंसी लेकर, बच्चे को लेकर, फैमिली में या पार्टनर के फैमिली में, या फिर आपसे रिलेटेड कुछ भी गुड न्यूज मिल सकता है, या फिर जॉब से रिलेटेड। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए, इस वक्त आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स है कि आपकी खामोशी का असर तो उन्हें बहुत हो रहा है और आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग की सेलिब्रेशन तो मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग आज मैं देख रही हूँ पूरे दिन में बहुत लोग की मुलाकात, बात हो रही है, ट्रैवल कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, और कुछ लोग का टाइम 3-3 और हो सकता है डियर, अभी से किसी वक्त भी 3 नंबर खास हो सकता है, 3 और 4 और 5 नंबर आप लोग का हो सकता है, लेकिन इस वक्त आप लोग को स्पाई नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है और अपने ऊपर फोकस करना है। स्पाई करोगे तो ये रन करेंगे, जो एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। तो आप पर नजर तो वो रख रहे हैं और बहुत जल्दी ये एक्शन भी ले रहे हैं, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि आपसे मुलाकात करना है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है। और देखिए यहाँ पे अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो आज बहुत लोग व्यूअर्स लोग का आज रीयूनियन हुआ है, बात हुई है, मुलाकात हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग के पर्सन आपको वक्त 4, 3 और 5 नंबर आपके लिए खास हो सकता है, तो आप लोग पॉजिटिव रहे और देखिए आप लोग की रीयूनियन होगी। बस यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड को, अर्थ मदर ग्रेटिट्यूड दे, कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण का नाम ले और अजपा जाप करते रहे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, थैंक यू सो मच।